हेलो, यहाँ पर हम सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 12 का एक प्रश्न और काव्य हेतु किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए काव्य के विभिन्न हेतुओं पर प्रकाश डालिए वाला प्रश्न करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें अलग-अलग मुद्दों की आवश्यकता रहेगी। वे कुछ इस प्रकार रहेंगे: पूर्व भूमिका, काव्य हेतु से तात्पर्य, काव्य हेतु विषयक विभिन्न विद्वानों के विचार, जिसमें हम भारतीय विद्वानों के विचार भी लेंगे और पश्चिम के विद्वानों के विचार भी लेंगे, और अंत में होगा उपसंहार। अब हम प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पूर्व भूमिका, तो हम यह कह सकते हैं कि रसयुक्त वाक्य को सामान्य दृष्टि से हम, यानी जिसमें कोई रस उत्पन्न होता हो, ऐसे वाक्य को हम सामान्य दृष्टि में काव्य समझते हैं। इस काव्य को लिखने के लिए कवि को प्रेरणा अपने अंदर से, अंतःकरण से मिलती है और बाहर से भी मिलती है। काव्य लिखने के लिए जहाँ कागज, कलम, स्याही जैसे स्थूल साधनों की आवश्यकता होती है, वहाँ भाव, विचार, चिंतन, मनन आदि सूक्ष्म साधनों की भी आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम देखते हैं बाहरी रूप से कि हमें लिखना है तो क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि श्याम पट्ट पर कुछ लिखा हुआ है। अब वह आपको दिखाने के लिए पहले मुझे श्याम पट्ट चाहिए, चाक चाहिए, तब जाकर इसमें कुछ लिखा जाएगा। तो इसी तरह बाहरी दृष्टि से हमें कलम, स्याही, कागज जैसे स्थूल साधन दिखाई देते हैं जिनकी कवि को आवश्यकता होती है, और भाव, विचार, चिंतन, मनन आदि सूक्ष्म साधन होते हैं जो अंतःकरण में अंदर उत्पन्न होते हैं, उसकी भी आवश्यकता होती ही है। स्थूल साधन तो सरलता से मिल भी जाते हैं। कोई भी कलम, स्याही, कागज सरलता से मिल जाते हैं, मगर जो सूक्ष्म साधन है, यानी कि जो अंतःकरण के में जो भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर, कवि के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, कवि जो चिंतन करता है, जो मनन करता है, वह कवि की प्रतिभा पर आधारित होता है। कवि की प्रतिभा जितनी उत्कृष्ट होगी उतना उसका काव्य उच्च कोटि का होगा। यहाँ पर काव्य में हेतु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम काव्य हेतु से तात्पर्य देखेंगे। काव्य हेतु का तात्पर्य अथवा अर्थ है काव्य का कारण, यानी कि काव्य किस कारण किया जाता है वह काव्य हेतु कहलाता है। यहां हम देखेंगे कि काव्य के रचना के पीछे कौन से कारण है अथवा किन कारणों से प्रेरित या प्रभावित तो होकर कवि ने काव्य की रचना की है, इसकी चर्चा काव्य हेतु के अंदर हम करेंगे। इनमें स्थूल साधनों की चर्चा बहुत कम और सूक्ष्म साधनों की चर्चा अधिक होती है। जैसे पहले हमने कहा वैसे कि जो बाहरी तौर पर दिखते हैं वैसे जो साधन है उसकी चर्चा यहाँ बहुत कम मिलती है, किंतु सूक्ष्म साधन यानी अंतःकरण, यानी कि अपनी प्रतिभा की चर्चा, कवि की प्रतिभा की चर्चा यहाँ अधिक होती है। संक्षेप में कहे तो कवि में काव्य निर्माण की
सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों का नाम काव्य हेतु है। अब हम काव्य हेतु विषयक विभिन्न विद्वानों के मत अथवा तो उनके विचार देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतु पर विशेष प्रकाश डाला गया है। आचार्य भामा ने काव्य के तीन प्रमुख हेतु मुख्य हेतु बताए हैं, जिसमें एक है प्रतिभा या शक्ति, दूसरा है योग्यता और तीसरा है अभ्यास। यानी कि हमने पहले जैसे चर्चा की वैसे प्रतिभा कवि की होती है, उसकी शक्ति काव्य को लिखने की जो उसकी शक्ति है आंतरिक उसकी बात है, उसकी योग्यता कैसी है उसकी बात है, और उसका अभ्यास कैसा है, उन बातों पर काव्य हेतु को मम्मट ने दिखाया है। तो आचार्य नंदी ने इन बातों का स्वीकार तो किया है, साथ ही कहा है कि नैसर्गिकी प्रतिभा भी जरूरी है। तो भामा वाग्भट और अन्य आचार्यों ने भी जो यहाँ पर प्रतिभा या शक्ति, योग्यता और अभ्यास जो तीन कारणों को हेतु के रूप में दिखाया है, उन्हीं को माना है। वाग्भट ने प्रतिभा को काव्य का कारण, व्युत्पत्ति अथवा योग्यता को विभूषण और अभ्यास को सृजन सहायक समझा है। यानी कि जहाँ पर ममा ने प्रतिभा को प्रतिभा कहा, वहीं वाग्भट ने प्रतिभा को कारण कहा। जहाँ मम्मट ने योग्यता कहा, वहाँ योग्यता को वाग्भट ने विभूषण कहा, और जहाँ मम्मट ने अभ्यास कहा, वहाँ यहाँ वाग्भट ने सृजन सहायक कहा। इस प्रकार उन्होंने अपना मत प्रकट किया। तो व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? तो व्युत्पत्ति का अर्थ होता है पंडित्य अथवा विद्वता। जो आगे बात की व्युत्पत्ति की, वहां की बात है। मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता का नाम दिया, जबकि राजशेखर ने उसे बहुज्ञता माना। प्रतिभा और व्युत्पत्ति से संपन्न कवि अभ्यास के द्वारा कवि कर्म में कुशलता प्राप्त करता है। मैंने पहले भी आपको आगे समझाया कि प्रतिभा होती है, उसकी योग्यता होती है, और उसका अभ्यास जो होता है उसके आधार पर। यहाँ कहा गया है कि अभ्यास से जड़मति भी सुजान हो जाता है। इसके विषय में कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कहने का तात्पर्य है कि बार बार अभ्यास करने पर हमें ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलती है। कैसा भी जड़ क्यों न हो, वह भी सुधर जाता है। यहाँ संस्कृत के आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना, और राजशेखर के अनुसार समाधि यानी कि मन की एकाग्रता भी काव्य का एक हेतु है। अब हम यहाँ पश्चिम के विद्वानों के विचार देखेंगे। तो उन्होंने कई दृष्टियों से विचार किया। हडसन की दृष्टि में आत्माभिव्यक्ति की अभिलाषा, मानवीय आचार विचार, वस्तु जगत के प्रति अनुराग आदि काव्य के मुख्य हेतु है, जबकि प्लेटो मानस बिंब को काव्य का हेतु मानते हैं, जबकि टीएस इलियट विशाल सृष्टि की श्रृंखला को काव्य हेतु कहते हैं,
फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक समस्त काव्य सर्जन में काम भावना को कारण रूप समझते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि पश्चिम के जो विद्वान हैं, उन्होंने काव्य हेतु को लेकर कोई विस्तृत बात नहीं की, या जैसे कि पूर्व के विद्वानों ने की। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि काव्य हेतु पर भारतीय काव्य शास्त्र में विस्तार से विचार प्रकट हुआ है। प्रायः हम सभी आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु बतलाया है। मम्मट रुद्रत आदि ने आचार्यों ने समन्वित रूप ही स्वीकार किए हैं, यानी कि जो मम्मट ने कहा वही रुद्रत ने भी कहा। राजशेखर श्याम देव ने समाधि नामक चौथा हेतु बताया, और पश्चिम में काव्य हेतु के विषय में कोई विस्तार से विवेचन नहीं हुआ। वहाँ आत्मा अभिव्यक्ति, अनुराग, मानस बिंब, काम भावना आदि को काव्य का हेतु मानकर काव्य शास्त्र में स्थान दिया गया है। यहाँ पर यह प्रश्न पूर्ण हुआ।